Hello student, I am Pawan Kumar Gupta from Santan Senior School, and once again I am here to explain your exercise. And here your exercise is listening and speaking. So let's read it. First, listen to the radio talk given by a police inspector on how to protect your house from burglars and robbers. Then choose the correct answer to the following questions. लिसन टू द रेडियो टॉक, एक रेडियो टॉक सुनिए बाय अ पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट योर हाउस, अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट यानी बचाए रखें फ्रॉम बर्गलर्स एंड रॉबर्स यानी चोरों से और डाकुओं से. देन चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, और एक करेक्ट आंसर चूज कीजिए इन सभी तीनों में से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्टर वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ बाई, इंस्पेक्टर के द्वारा हम लोग अपने तरफ अपने आप को बचा सकते हैं. कैसे, टेकिंग अ फ्यू केयरफुल स्टेप, कुछ अच्छे कदम अपनाकर, किकिंग फायर आर्म्स या कोई बंदूक वंदूक वगैरह वगैरह रख के, या फिर अपॉइंटिंग सिक्योरिटी गार्ड, या फिर क्या करें आप, एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर लें. तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, सिक्योरिटी गार्ड आपको कहीं पे भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ना, तो हर जगह आपको अपने कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे. सेकेंड है अ पेट डॉग, ए पेट डॉग मतलब एक पालतू कुत्ता, कैन बाइट द ऑनर्स देम सेल्फ यानी कैन बाइट काट सकता है खुद के जिसको उसने क्या किया है, पाला है ऑनर्स को, इज डिफ़िकल्ट टू कीप यानी उसको रखना काफ़ी कठिन है. कैन एक्ट एज ए गार्ड, वो क्या करता है, क्रिया करता है किसकी तरह, एक कुत्ते की तरह. तो थर्ड ऑप्शन सही है. वेयर शुड वी हैव टू अ लाइट ऑन व्हेन लीविंग द हाउस ऑन द इवनिंग, हम लोग लाइट को अपने जब बाहर जाते हैं तो लाइट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं शाम को, ऐसा क्यों. ठीक है, सो दैट इट इज लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि यह सुंदर दिखता है, या फिर सो दैट इट लुक्स ऑक्यूपाइड यानी क्या कोई घटना हो सकती है, सो दैट पेट्स डू नॉट लूज देयर वे एट नाइट. तो ये इसमें थर्ड में कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन ही सही है. ठीक है, बिफोर ओपनिंग द डोर वी मस्ट आस्क, दरवाज़ा खोलने के बाद हमें पूछना चाहिए क्या, हाउ आर यू, हाउ इज इट, आर यू रॉबर यानी कोई दरवाज़ा खोलेगा तो आप पूछेंगे क्या तुम डाकू हो, नहीं जाहिर सी बात है तो सी ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है. अब क्या पूछेंगे आप, कैसे हैं. इसके बाद है इफ़ यू हैव अ सिक्योरिटी सिस्टम इन योर हाउस, अगर आपके घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम है तो आप क्या करेंगे. पहला है डोंट टेल योर सिक्योरिटी कोड टू एवरीवन, हर किसी को अपना सिक्योरिटी कोड मत बताइए. बी है डिस्प्ले योर सिक्योरिटी कोड ऑन द फ्रंट डोर, अपना सिक्योरिटी कोड है उसको फ्रंट डोर पर लिख दीजिए, ये भी नहीं गलत है. शेयर द सिक्योरिटी कोड विथ योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ क्या करें, जितने भी सिक्योरिटी कोड है उसको शेयर करें. तो रॉन्ग है, जितने भी सिक्योरिटी कोड हैं खुद अपने पास रखें और किसी को ना बताएं. सिक्स है अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्टर इफ़ यू आर लिविंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम यू शुड, अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टर के अनुसार इफ़ यू आर लिविंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी को छोड़ के जा रहे हैं एट होम घर पे, यू शुड आपको चाहिए इन्फॉर्म द पुलिस यानी पुलिस को बता दीजिए, या फिर गिव देम वेपन्स फॉर सेल्फ डिफेंस यानी उनको हथियार दे दीजिए अपने आत्मरक्षा के लिए. सी ए इन्फॉर्म योर नेबर्स यानी अपने नेबर्स पड़ोसियों को इन्फॉर्म कर दीजिए. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है. सेवेंथ है योर डोर शुड हैव, आपके डोर अपने जो दरवाजे उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक के होल चाबी का एक छेद होना चाहिए. ठीक है, एट है द इंस्पेक्टर इन हिज टॉक विद दिस सेइंग, एक अपना इंस्पेक्टर अपना जो बात है ख़त्म करता है ये शब्द कहते हुए क्या, लुक बिफोर यू लीव, बेटर देन नेबर, बेटर सेफ देन सॉरी यानी लुक बिफोर यू लीव. यहाँ पे स्पीकिंग है अ डे एट द फेयर, एक दिन किसमें, मेले में. इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू अ बिग फेयर, इमेजिन कल्पना कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, एक बड़े मेले में. देयर आर स्विंग्स, वहाँ पे क्या है, झूले हैं, पॉट स्टॉल, गेम स्टॉल, स्टॉल्स फिर यू कैन प्ले विथ एनिमल्स लाइक हेंस एंड डक्स, आप खेल सकते हैं क्रिकेट साथ जानवरों के साथ जैसे हेंस मुर्गियाँ और बत्तखों के साथ, एंड राइड कैमल्स, और राइड चढ़ाई कर सकते हैं किसका, कैमल्स यानी ऊंट एंड एलिफेंट हाथी. देयर आर आइसक्रीम स्टैंड, वहाँ पे क्या है, आइसक्रीम स्टैंड है, मैजिशियन टेंट और मैजिशियनों का टेंट है, एंड आल्सो स्टेज वेयर यू कैन परफॉर्म विथ योर फ्रेंड, और एक स्टेज भी है जहाँ आप परफॉर्म भी कर सकते हैं.
कैन यू इमेजन द काइंड ऑफ फन यू विल लीव, आप कल्पना कर सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे आप फन यानी इंजॉय कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। देर आर कलर्स ऑल अराउंड यू, वहाँ पे चारों तरफ क्या है, कलर ही कलर है, रंग ही है। पीपल आर लाफिंग एंड प्लेइंग, लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। सम हैव कम फॉर पिकनिक, कुछ लोग यहाँ पे घूमने के लिए पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। द एयर इज फील्ड विद डिफरेंट अरोमास ऑफ फूड फ्रॉम द फूड स्टॉल, देर आर फील्ड, वहाँ पे बहुत सारे हवाएं भरे हुई हैं विद डिफरेंट अरोमा, अरोमा में होते हैं से कहाँ सभी रंग बिरंगे चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ों में, ऑफ फूड फ्रॉम द फूड स्टॉल, जो कि फूड स्टॉल पे है, ठीक है। मेक स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस हाउ यू वुड हैव स्पेंट यू डे एट द फेयर, मेक ए स्मॉल ग्रुप, एक छोटा समूह बनाइए एंड डिस्कस कीजिए हाउ वुड यू हैव स्पेंड योर डे एट द फेयर, आप कैसे उस मेले में अपना समय व्यतीत करते हैं। देन इच ग्रुप शुड आल्सो प्रेजेंट समथिंग, और हर एक ग्रुप के पास कुछ ना कुछ जरूर हो, अ सॉन्ग से गाना गाना, अ माइम और डांस एंड मिमिक्री करना और डांस करना, विच दे वुड हैव परफॉर्म ऑन द स्टेज एट द फेयर, जो कि क्या करें उस स्टेज पर जाके परफॉर्म कर सके मेले में। नेक्स्ट है आपका राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल है तो राइटिंग स्किल को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। मेक पेयर कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु हैज पेट एंड अनदर हु डज नॉट, एक कंसिस्ट एक स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए जिसमें क्या हो, पेयर यानी जोड़े बनाइए, इसके पास पेट यानी पालतू जानवर हो और दूसरे के पास ना हो, ठीक है। बोथ स्टूडेंट टॉक अबाउट पेट, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, पेट्स यानी पालतू जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट हु हैज अ पेट शुड डिस्क्राइब अदर स्टूडेंट हु हैज अ पेट, इसके पास पेट जानवर हैं पालतू, वो डिस्क्राइब करता है व्हाट मेक इट इज सो स्पेशल, ये काफ़ी स्पेशल यानी खास है। द स्टूडेंट हु डज नॉट हैव अ पेट, वो स्टूडेंट जिसके पास पेट यानी पालतू जानवर नहीं है, वह कहता है विच एनिमल और बर्ड ही शुड लाइक टू हैव एज अ पेट, यानी कौन से पक्षी या जानवर को तुम पेट बनाना चाहोगे एंड वाई और क्यों, आइदर या फिर स्टूडेंट विल केयरफुल नोट डाउन व्हाट इज हर पेरेंट्स से, या फिर जो स्टूडेंट है वो सावधान होता जाता है अपने पेरेंट्स के कहे हुए बातों का। देन दे, इसके बाद वे लोग राइट व्हाट देयर पेरेंट्स स्पोक अबाउट हिज हर पेट, इसके बाद वो क्या करता है, उसके जो पेरेंट्स हैं जो माता पिता हैं क्या कहते हैं उनको लिखता है, राइट करता है इन द एंड, और आखिरी में स्टूडेंट्स कैन स्टिक देयर पेज ऑन द वॉल ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास टू रीड, इसके बाद जो छात्र था उसने क्या किया, पेज को वॉल दीवार पे चिपका दिया और जो बाकी बचे हुए छात्र थे वो क्या कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे। थिंक दैट यू कैन टॉक अबाउट, आप सोचिए कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं पूरी के बारे में, ठीक है। दो जो है पेट यानी जिसके पास पेट्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ पेट डू यू हैव, यानी किस प्रकार का जानवर आप पालतू रखे हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज इट्स नेम, या उसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंडों में या तो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है। और पहला तो उस लोगों के लिए जिनके पास पेट है, ठीक है, और फॉर द इमेजिन पेट्स, यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस हैं, तो ये तो आपने फेयर फ्रेंड्स में और अपने फैमिली मेम्बर में जाके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, डू यू हैव दैट अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ इट इज़ लीगल टू कैच, डू यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी इंडियन लॉ के अनुसार यह लीगल है किसी को भी पकड़ना, कीप बाय और सेल बर्ड, किसी भी यानी पक्षी को पकड़ना बेचना या रखना ये क्या है, लीगल है। यू मस्ट हैव सीन द सो कॉल्ड फॉर्च्यून टेलर्स यूजिंग कैट पैराकीट्स टू डू बिजनेस, यू मस्ट हैव सीन, आपको देखना चाहिए सो कॉल्ड फॉर्च्यून टेलर्स यूजिंग कैट पैराकीट्स टू बिजनेस, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको पकड़ कर और उसकी देखभाल करके क्या करते हैं, एक अच्छा व्यापार करते हैं। दिस इज पनिशेबल बाई अ फाइन एंड अपर टू 5 years इन जेल, दिस इज अ पनिशेबल, ये क्या है, काफ़ी पनिशेबल है यानी दंडनीय है, बाई अ फाइन एंड 5 years इन जेल, कुछ पैसे भी, फाइन यानी कुछ पैसे भी एंड 5 years इन जेल, और
5 साल के लिए जेल. डू सम रिसर्च इन ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स. डू सम रिसर्च, कुछ रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए इन ग्रुप, एक समूह में ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 छात्रों के समूह में. एंड मेक एन इलस्ट्रेटेड चार्ट ऑफ एनिमल कैप्चर एंड किप्ट इलीगली. और एक क्या कीजिए, चार्ट बनाइए जो कि जो जानवर क्या हुए हैं, इलीगल तरीके से पकड़े गए हैं. डिस्प्ले योर चार्ट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड. और क्या कीजिए, अपने चार्ट को नोटिस बोर्ड के, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाइए. सो स्टूडेंट, हियर यू आर कंप्लीट योर चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन. ठीक है, थैंक यू.